वीक में 5 दिन काम होता है इधर, और बाकी 2 दिन जो है वो छुट्टी होती है। तो 3 लाख रुपया महीने का लो जी, 3 लाख रुपया महीने का लेंदा जी भाई तू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक मेरी वीडियो पे। यो दोस्तों, आज मैं आपको अपने काम के हवाले से साइप्रस में जिस जगह मैं काम करता हूँ, आज मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह का काम है हमारा, किधर मैं काम करता हूँ साइप्रस में किस जगह पे, और आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या माहौल है काम का, या किस तरह काम करते हैं हम लोग, और कितने घंटे की शिफ्ट है, कितने घंटे काम करते हैं, क्या सैलरी मिलती है घंटे के हिसाब से, या मंथली क्या पैकेजेस हैं यहाँ पे। तो आज मेरी वीडियो इसी बारे में है, और ये देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे जो है ना, ये हमारी ये दुकान है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। इधर अभी काम कर रहे हैं कुछ दोस्त, बाकी मार्केट अभी आज सैटरडे है तो टाइम मिलता है थोड़ा सा, कि सैटरडे को काम कम होता है, इसलिए मैं सोचा यार अभी वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई आप क्या काम करते हो, आपका काम क्या है, कैसा काम है, और साइप्रस में काम किस तरह का होता है, थोड़ा सा उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ये देख सकते हो यार, ये मंडी है अगोरा मार्केट, अगोरा कहते हैं मंडी को इधर साइप्रस में ना, सब ग्रीक में मंडी को अगोरा बोलते हैं। अभी दुकानें बंद हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैटरडे है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, और कुछ दुकानें ओपन हैं जहाँ पे काम अभी हो रहा है। ये मेरी यार जहाँ पे मैं काम करता हूँ ये वो जगह, ये देखो ये है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर। काम का यार ये सही सीन है कि मंडी में काम जो है वो रात को 1:30 पे स्टार्ट होता है। यहाँ पर जो मंडी की टाइमिंग है काम करने की, यहाँ पर अगोरा मार्केट में ये जो टाइमिंग हमारी स्टार्ट होती है काम की, ये रात को 1:30 पे, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में अपने मंडियाँ स्टार्ट होती हैं, सब्ज मंडी फ्रूट मंडी, वो रात को काम शुरू होता है। ऐसे ही इधर भी कुछ दुकानें अब रात को 10 बजे ओपन होती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर ओपन होती हैं वो रात को 1:30 पे काम शुरू होता है। 1:30 से फिर 12 घंटे की शिफ्ट होती है ऑलमोस्ट, 1:30 से लेकर दोपहर 1:30 तक, रात 1:30 से। लेकिन कुछ हैं जिन पे 8 घंटे का काम होता है, रात को 1:30 पे शुरू होता है, 9 बजे 10 बजे काम ख़त्म हो जाता है, 9-10 बजे दुकानें बंद कर देते हैं। लेकिन जिनके पास काम ज़्यादा है वो जो है ना, उनका 12 घंटे का काम होता है, 12 घंटे वो मुकम्मल करके फिर ही छुट्टी होती है। ये वीक में 5 दिन काम होता है इधर, और बाकी 2 दिन जो है वो छुट्टी होती है। तो यानी कि मंडे ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे छुट्टी होती है, फिर आगे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और फिर संडे फिर छुट्टी, इस तरह 2 दिन छुट्टी होती है, और 2 दिन बीच में हाफ डे होता है, वो ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 2 दिन हाफ डे होते हैं, इनमें काम ज़्यादा नहीं होता, 2 दिन काम कम होता है। लेकिन यहाँ पर जो सैलरी स्टार्ट होती है, सैलरी ज़्यादा नहीं, मैं आपको जो बात सही बता रहा हूँ, सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती, सैलरी वो जो एक हिसाब से मिले, यूँ कह लें कि जिनको डेली मिलती है डे के हिसाब से, वो 50 यूरो देते हैं एक डे का, और जो सैलरी लेते हैं वो 800-900 यूरो से सैलरी स्टार्ट होती है पर मंथ। मंथ में 22 दिन काम करते हैं, 22 दिन का 800-900 यूरो मिलता है, कुछ शॉप्स पे 800 देते हैं, कुछ पे 900 स्टार्ट करते हैं, जो न्यू पर्सन आया, जो न्यू बंदा काम पे शुरू होता है, जिसको काम का पता नहीं, और जहाँ पे दिन के हिसाब से मिलते हैं वहाँ पर वो 50 यूरो देते हैं। घंटे के हिसाब से काम नहीं इधर, घंटे के हिसाब से पैसे भी नहीं मिलते कहीं पर भी नहीं इधर। ओवर टाइम होता है शाम को 5 बजे से लेकर रात को सुबह 10, रात शाम 5 से रात 10 तक, तो उसके ओवर टाइम मिलते हैं, ओवर टाइम के 1 घंटे का 5 यूरो मिलता है इधर। तो काम ठीक ठाक है, काम ये है कि बिल्कुल वही चीज़ है जो पाकिस्तानी यहाँ पर इंडिया में मंडियों में होता है, कि फ्रूट सब्ज़ी वगैरह के गाड़ियाँ आती हैं लोड होके, ट्रक लोड होके आए होते हैं, उनको माल निकालना होता है, माल निकाल कर इधर उसको फिर क्लीन करना, उसको सेपरेट करना, छांटी जिन्हों कहने आप छाटी करना होता है उन्होंने, कि अच्छा माल वखरा, जरा उदू थोड़ा ख़राब है वखरा, जरा बहुत ख़राब है वखरा वखरा करके, फिर अगर सुबह जरा कस्टमर जो कस्टमर आते हैं फिर कस्टमर डील करना। लेकिन इधर ये है कि वो नहीं, कि लोकल कस्टमर इधर ज़्यादा ऑर्डर फिक्स होते हैं, वही ऑर्डर जो कंप्यूटराइज ऑर्डर आते हैं वही ऑर्डर पे माल जो है ना यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो माल वहीं पे ऑर्डर पे चला जाता है जी। ड्राइवर की सैलरी भी इधर अच्छी खासी साइप्रस में, खास करके मंडी में 2000-2500 यूरो आराम से जो है ना ड्राइवर कमा लेता है महीने में। और भी इधर लड़के काम करते हैं, ये देखो अपना पाकिस्तानी भाई भी मजबूर है। अच्छा ये देखो जी मजबूर, अच्छा भाजी इन्होंने पूछने भाजी तुम्हें कहदी मजबूरी इतने काम करनी, मैंने दसो ना पैसे ले इंदे पे तुम फ्री काम तो नहीं करते, जे मजबूर हो काम करते पे, यूरो की मजबूरी है, वेख लो जी यूरो की मजबूरी है, ये परदेश अपना अपना देश छड़ के इतने परदेश यूरो की मजबूरी लै आई है, वेखो जी ये भाई अली तक लो
जानते हो यार अल्फा अमेरिका तो आया अज यार इतने सैटरडे पे तो पार्टी का भी बंदोबस्त किया गया देख रहे हो तारे ने अज इतने तिक्के बोलटियां बनने लगे ने माइका से हाय जी दोस्तों अभी काम चल रहा है ये देखो लो जी आ भाई दा सलाम है तानू हां जी नहीं यार इहदा मुंह तानू मैं वहां आऊं गिला के मेनू काला तो विच पहले हुंना ए आ वेखो अस्सलाम वालेकुम आ चिट्टा नजर आया जे बंदा भाई साहब हां जी ए भाई भी काम करदे ने इथे 2 महीने होए ना ये स्टार्ट ए भाई जान यार तुसी बंदे नु ए ते दसो तुहाडी सैलरी किन्नी स्टार्ट होई है शुरू साडी 3 लाख रुपया महीने दा लो जी 3 लाख रुपया महीने दा लैंदा जे भाई तू ते 22 दिन काम करदे ने This one is my best friend here where I work. This one is my best friend. The name is Alpha. I introduced you before the one video. Have the with the, this boy. Remember maybe. Hey Alpha. Hey Seda, how are you? Good. Alpha, today work is good, ne? Today work is good. Speak. This is mean okay. This is mean okay, ne? This one is good boy.